हेलो क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसको आप क्लास 12th में पढ़ सकते हो। और अगर कम्पिटिटिव देख रहे हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पूरी सीरीज़ में आप हाइड्रोकार्बन के बाद ये दूसरा चैप्टर आता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज का जो क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। एक डिफरेंट मैनर में देखेंगे क्लासिफिकेशन को और एक डिफरेंट मैनर में देखेंगे हम लोग किसको, इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टर्म। अगर हम हेलो की बात करेंगे, हेलो की, तो हेलो एराइज फ्रॉम हेलोजन, कहाँ से आया है, हेलोजन से। और एल्कीन आपको समझते हुए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन। अब एल्केन में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन को ऐड करते जाएंगे, एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को ऐड करते जाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो हमको करना क्या है, जैसे मैं कहता हूँ अगर एन इज्क्वल टू वन हम लोग लेते हैं, एन इज्क्वल टू वन लेंगे तो जो एल्केन आएगा, आपने पढ़ा है कि सर आएगा CH4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब हमने कहा कि मीथेन में जो हाइड्रोजन है, उसी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाते हैं और हाइड्रोजन की जगह हम लोग क्या ऐड करते जाते हैं, हेलोजन को ऐड करते जाते हैं। जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं, हेलोजन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और इसको हम एक एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन को हटाना है और हेलोजन को क्या करना है, उसकी जगह लाना है। तो अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो हो जाएगा आपका CH3, और इसके साथ हो जाएगा एक्स, CH3X। फिर आगे और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप चाहो फिर से यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और आप फिर से एक हेलोजन ऐड करो, एक्स ऐड करो, तो आपका हो जाएगा CH2X2। फिर से आप क्या कर सकते हो, फिर से अभी भी और हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को आप हटा सकते हो, उसकी जगह हेलोजन को ला सकते हो, तो आपका हो जाएगा CH3X। और काम कर सकते हो आप, और काम क्या कर सकते हो, अभी और हाइड्रोजन आपका बचा है, हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन को आप हटा के उसकी जगह हेलोजन को ऐड कर सकते हो और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH4। एंड ऑल दीज आर नोन एज हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, एल्केन के हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह आपको हेलोजन को लगाना है। जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहेंगे। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर हम हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम लोग प्रिपरेशन भी देखेंगे, क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, सारी बातें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेलो एल्केन इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, उस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाना है, हेलोजन को लाना है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन इसका और इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन, या हम क्या लिखें, हेलो एल्केन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है केवल आपको एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह आपको किसको लाना है, हेलोजन को लाना है। तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन मीन्स सब्स्टिट्यूशन या रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ वन हेलोजन एटम एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, आप एन इज्क्वल टू टू भी ले सकते हो बेटा। एन इज्क्वल टू टू लोगे तो आपको एल्केन क्या मिलेगा, देख लीजिए, आपको मिलेगा C2H6,
और C2H6 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इथेन। और इसको और सिंपलीफाई फॉर्म में बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, CH3CH3। अब आपको क्या करना है, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह आप हैलोजन को लाओगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। अब इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, RH, ये आपका RH क्या है, एल्केन है। RH क्या है आपका, एल्केन है। आपको करना क्या है, इस H को हटाना है, इस H को रिमूव करना है। और आप जब भी H रिमूव करोगे, जब भी H रिमूव करोगे, तो इस R को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एल्किल। और इस एल्किल में एक H को हटाया है, तो कार्बन जो है उस पर एक हैलोजन को हम ऐड कर देंगे। तो एक हैलोजन को ऐड करेंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा। इस हैलोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हैलाइड। ये पूरा का पूरा नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। अब यहाँ जैसे आपका रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इथेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेन। चाहे इस कार्बन से, चाहे इस कार्बन से कहीं से एक हाइड्रोजन को हम हटाते हैं, तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। हाइड्रोजन को हटाया तो आपका हो जाएगा CH3CH2। एक वैलेंसी अगर आपकी बची हुई है कार्बन की, इसको हम अब इथेन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एथिल। हाइड्रोजन हटेगा, एन खत्म हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल। जैसे एल्केन से हाइड्रोजन हटा तो नाम हो गया एल्किल, वैसे इथेन से हाइड्रोजन हटा तो नाम हो गया एथिल। अब कार्बन की एक वैलेंसी बची हुई है, इस वैलेंसी की जगह हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, किसको लाएंगे, इसकी जगह हम किसी हैलोजन को लाते हैं। तो किसी हैलोजन को लाते हैं तो हम लोग एक्स को लाते हैं, एक्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ एक्स आपका ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैलाइड। अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। दिस इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। तो इंट्रोडक्शन का ये पार्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन मीन्स आपको दो हाइड्रोजन को हटाना है और हैलोजन को लेके आना है। देख लीजिए आप, मोनो सब्स्टिट्यूटेड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हैलो एल्केन में क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग हैलो एल्केन में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है दो हैलोजन को ला रहे हो। तो हैलो एल्केन या हैलो एल्केन का डेफिनेशन यही है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हैलोजन। आप हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन। अब आपको क्या करना है, दो हाइड्रोजन को हटाना है। तो एल्केन आपने लिया, आपने बार बार ले रहे हो एन इक्वल टू टू, तो जब n इक्वल टू टू लेंगे तो हमको क्या मिला, या n इक्वल टू वन पहले लेके देख लेते हैं। n इक्वल टू वन लेके देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सी एच फोर बनेगा एल्केन का, सी एन एच टू एन प्लस टू, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एंड दिस इज सी एच फोर, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं बेटा, जिसको मीथेन कहते हैं। अब हमको दो हैलोजन को लाना है, हमको दो हैलोजन को लाना है। तो ये आपका सी एच फोर है, जिसको हम चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रो मीथेन, आपको पता है। अब आपको क्या करना है, कहीं से भी दो हाइड्रोजन को क्या करना है, आपको यहाँ से हटाना है। तो आपने दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया, टू हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो कार्बन की दो वैलेंसी आपकी क्या है, पूरी तरह से खाली है। और इस दोनों जगह पर आपको हाइड्रोजन को ला के क्या कर देना है, टू हाइड्रोजन को ला के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एक हैलोजन यहाँ आ गया, एक हैलोजन यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। दिस इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। तो ये आपका बन गया डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन बन गया। सपोज करो हमने लिया है ये मीथेन, दिस इज मीथेन,
आप देख सकते हो फोर वैलेंसी है कार्बन की, और यहाँ पे आपने क्या किया, टू हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया है और आप यहाँ क्या ले आ रहे हो, दो क्लोरीन के एटम को लाके ऐड कर दे रहे हो। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। और दो क्लोरीन ला रहे हो तो दो क्लोरीन लाओगे तो नाम हो जाएगा डाई क्लोरो। नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, क्योंकि दो क्लोरीन ला रहे हो तो नाम हो जाएगा डाई, तीन लाओगे तो ट्राई है ना, और वन लाओगे तो मोनो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा डाई क्लोरो। आप देख लो डाई क्लोरो, और एक कार्बन है और एक कार्बन पूरी तरह से सैचुरेशन में है, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो मीथेन। दिस इज डाई क्लोरो मीथेन। तो इसको हम लोग कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। ये आपका जो कैटेगरी में आता है इसको हम लोग नॉर्मल नॉर्मल डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना हेलो एल्केन, इसको कहेंगे नॉर्मल डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। दिस इज द वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन एंड दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के बाद हम एक कंडीशन के बारे में और डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं जेम डाई हैलाइड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन वाला या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप निकल के आता है, क्योंकि जब आगे चल के आप कन्वर्जन के बारे में सोचोगे तो नॉर्मल क्या है, जेम क्या है, विक क्या है, अल्फा और अल्फा हो गया आपका, अल्फा गामा हो गया या अल्फा ओमेगा हो गया, ये सब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इंट्रोडक्शन के इस पार्ट को ध्यान से समझेंगे तो आगे चल के जो कन्वर्जन वाला पार्ट है वो हमारे लिए काफ़ी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड कैटेगरी नॉर्मल के बाद आता है जिसको कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड क्या होता है, जब किसी भी एल्केन के, जब किसी एल्केन के एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम अटैच हो जाए, जब किसी भी एक ही कार एक जब किसी भी एल्केन के एक ही कार्बन पे दो हैलोजन एटम अटैच हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। बार बार बता रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया एन इज्क्वल टू टू, एन इज्क्वल टू टू लिया तो हमको मिला सी टू एस सिक्स, सी टू एस सिक्स, और सी टू एस सिक्स को अगर आप ऐसे ओपन करके लिखते हो तो ये आपका निकल के आएगा, देख लो आप सी एस थ्री ऐसे लिख सकते हो, और कल को आपका इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो आपको पता है हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, ये आपने पढ़ रखा है, तो अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो यहाँ मैंने लिख दिया सी एस थ्री, इसका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, किसी एक कार्बन, चाहे इस कार्बन की बात करें चाहे इस कार्बन की बात करें, ये भी कार्बन टेट्राहेड्रल है, ये भी कार्बन टेट्राहेड्रल है, आपको करना क्या है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन को हटाना है किसी भी एक कार्बन के, इसको इसको हमने हटाया और उसकी जगह पे मैं क्या ला रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं हैलोजन ला रहा हूँ, लाइक दिस, दिस इज द हैलोजन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहते हैं जेम डाई हैलाइड, दिस इज कॉल्ड जेम डाई हैलाइड। अगर आपसे इसी जगह यही आपका है सी एस थ्री मैंने इस फॉर्म में लिखा है और ये आपके पास दो हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे और दो हैलोजन यहाँ आपने ऐड किया है, सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ दो क्लोरीन के एटम को ला के रख दो, तो दो क्लोरीन के एटम को लाओगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH और यहाँ Cl, यहाँ Cl, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,1-dichloroethane। डाई सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो अगर हम इसका नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1,1-dichloroethane, दिस इज कॉल्ड 1,1-dichloroethane एंड दिस इज कॉल्ड जेम डाई हैलाइड। तो पहले एक नॉर्मल डाई हैलाइड पढ़ा आपने, उसके बाद हमने देखा आपको जेम डाई हैलाइड बताया, अब इसी डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन में दो और बातें आपको पढ़ना, जिसको हम लोग कहते हैं विक डाई हैलाइड और एक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के नाम से भी हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं। तो विक डाई हैलाइड क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं, विकनल या जेमनल भी कहते हैं, तो जेम डाई हैलाइड हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्या विक डाई हैलाइड। तो विक डाई हैलाइड क्या होता है देख लीजिए, थर्ड पार्ट विक
डाई हैलाइड। मैं इसको समझाता हूं पहले। किसी भी एल्केन के एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच है तो एल्केन के जो एडजेसेंट कार्बन है उस पे अगल बगल दोनों पास पास ही क्या होने चाहिए, हैलोजन होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकनल डाई हैलाइड। मतलब ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये जो मीथेन है वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन किसी भी एल्केन की बात कर सकते हैं, बट ये मीथेन की नहीं, क्योंकि एडजेसेंट में मिनिमम दो कार्बन होने चाहिए। तो मिनिमम दो कार्बन होने चाहिए, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास n इक्वल टू टू है, n इक्वल टू थ्री है, कुछ भी है, n इक्वल टू टू है तो हमको मिलेगा इथेन CH3 CH3, और अगर n इक्वल टू थ्री है तो हमको मिलेगा प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये मिलने वाला है। अब हमको, हमने कहा विकनल डाई हैलाइड में हो क्या रहा है कि एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन आइटम आपके क्या आके हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच हो रहे हैं, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे। तो दो हाइड्रोजन जाएंगे तो आपको पता है बेटा कि कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ खाली होगी और कार्बन की एक वैलेंसी क्या होगा आपका, यहाँ खाली होगी। अब इन दोनों वैलेंसियों पर आपको हाइड्रोजन की जगह पर क्या अटैच कर देना है, हैलोजन को ला कर रख देना है। एक हैलोजन आपका यहाँ आ जाएगा, एक हैलोजन यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड विक डाई हैलाइड। और पहले वाला क्या था आपका, जम डाई हैलाइड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विक डाई हैलाइड। और इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो 1,2 होगा डाई हैलो एल्केन। अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, बट 1,2 डाई हैलो एल्केन जब भी है तो ये विकनल डाई हैलाइड है। इसी तरह से प्रोपेन भी कर सकते हो, एडजेसेंट चाहे इसका इसका, चाहे इसका चाहे इसका, 1,2 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से दो हाइड्रोजन को हटाते हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाए, यहाँ से हटाए, या आपकी मर्जी यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, कहीं से बैठो, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। ये हो गया CH3 CH CH2। आप ध्यान से देखेंगे एक वैलेंसी यहाँ खाली, एक वैलेंसी यहाँ खाली। अब आपने हाइड्रोजन को हटाया, हैलोजन इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो, तो आप क्या करिए, दो हैलोजन एटम को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ एडिशन कर सकते। एक हैलोजन यहाँ है, सपोज करो मैं क्लोरीन लाता हूँ, तो ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ये विकनल डाई हैलाइड होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन का कैटेगरी नंबर 3। डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन में कैटेगरी नंबर 4 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी नंबर 4 में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, अल्फा ओमेगा सब्स्टिट्यूटेड डाई हैलो एल्केन। जो फोर्थ कैटेगरी आता है अल्फा ओमेगा, इसको मैं मिटाता हूं, आप नोट करते जाइए। फोर्थ कैटेगरी में आएगा अल्फा कॉमा ओमेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन। तो ये आपका कंडीशन है कि कंपाउंड जो भी होगा एल्केन का मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, पहला कंडीशन। यहां पहला कंडीशन क्या है कि मिनिमम 3 कार्बन एल्केन इसमें होने चाहिए। मतलब ये मीथेन और इथेन के लिए नहीं है, ये कहां से स्टार्ट होगा, प्रोपेन के लिए। तो अल्फा ओमेगा क्या होगा, जो भी आपका एल्कीन होगा, लॉन्ग चेन एल्कीन होगा जिसमें मिनिमम 3 कार्बन है, मैक्सिमम कोई भी हो सकते हैं, उसके टर्मिनल पोजीशन पे क्या लगे हों, हैलोजन लगे हों। जो आपका लॉन्ग चेन कार्बन होगा हेलो एल्केन का, सॉरी एल्केन का, उस एल्केन के टर्मिनल पोजीशन पे हैलोजन अगर लगे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा ओमेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन।
देख लीजिए, एन इज्कल टू थ्री लेंगे तो प्रोपेन होगा, एन इज्कल टू थ्री पे हमको मिलेगा प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला है सी एच थ्री सी एच टू एंड दिस सी एच थ्री। अब मैंने कहा कि इसके टर्मिनल पोजिशन पे, तो इसका टर्मिनल पोजिशन ये और ये है, दोनों टर्मिनल पोजिशन के हाइड्रोजन को हटा के एक ही तरह के हैलोजन लगे हों या अलग अलग तरह के हैलोजन लगे हैं, तब भी उसको हम अल्फा ओमेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन कहेंगे। तो आपको क्या करना है, टर्मिनल पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन गया तो आपको पता है यहाँ एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ से तो कुछ जाना नहीं है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ भी एक वैलेंसी खाली हो गई। दोनों वैलेंसियों पे आपको दो हैलोजन के एटम क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो यहाँ एक हैलोजन यहाँ आया, एक हैलोजन यहाँ आया, अगर नेमिंग करेंगे तो 1, 2, 3 आता है बेटा, 1, 3 डाई हेलो एल्कीन, दिस इज द नेम ऑफ अल्फा ओमेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्कीन। अगर जेम की बात कहेंगे तो 1, 1 होगा, विक की बात करेंगे तो 1, 2 होगा, अल्फा ओमेगा की बात करेंगे तो 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, मतलब 6 कार्बन रहेंगे तो टर्मिनल पोजीशन पे आपको लगाना ही लगाना है हैलोजन, तो उसको हम अल्फा ओमेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन की कैटेगरी में क्या करेंगे, रखेंगे। तो मैंने आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन बताया, मैंने आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन बताया इंट्रोडक्शन में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन के बारे में, जिसको नोट करो। देख लीजिए, डाई तो हमने बता दिया, अब जो थर्ड कैटेगरी है इंट्रोडक्शन में वो है आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि जो एल्केन है उसमें तीन हैलोजन हैं, मतलब आपको करना क्या है, आपको 3 हाइड्रोजन को हटाना है और 3 हैलोजन को लाना है, उसको हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन कहेंगे। इसमें एक ही कंडीशन है नॉर्मल वाला, और कोई कंडीशन नहीं, जेम बिक या ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हमारे पास है एन इज्कवल टू 1 पे हम लोग एल्केन में आएगा मीथेन, इस मीथेन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको पता है दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और आपको क्या करना है, हेलो एल्केन बनाना है, तो एल्केन को हेलो फॉर्म में लाना है, तो हाइड्रोजन को हटाना है, हैलोजन को लाना है, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की जब भी हम बात करेंगे तो 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, 1, 2, 3 कोई जो भी आपको अच्छा लगे, 3 हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, कार्बन की 3 वैलेंसी आपकी खाली हो जाएंगी, 1, 2, 3, तो आपने 3 हाइड्रोजन हटा दिया बेटा, 3 हैलोजन को लाके इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लाइक दिस, तो ये आपका एक्स 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 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। समझ गए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। टेट्रा के बाद पेंटा नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी केवल 4 होती है, तो मैक्सिमम हम कार्बन के पास से 4 हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। कार्बन आपका एल्केन फॉर्म में, सैचुरेशन फॉर्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम आपके 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ये सब बातें आपको आता है। तो हम लोग देखेंगे टेट्रा, यहाँ पे तुरंत देख लेंगे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसी में 4 के 4 हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना है, 4 के 4 हाइड्रोजन को हटाना है, और आपको 3 नहीं 4 हाइड्रोजन को लाके सब्स्टिट्यूट कर देना है, और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको मिल जाएगा बेटा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। तो मैंने आपको मोनो बताया, मैंने आपको डाई में बताया नॉर्मल जेम बिक एंड अल्फा ओमेगा, और इसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद जो अगला बात आपको पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स, क्योंकि चैप्टर में 2 बातें हैं, एक एल्केन्स है, एक एरीन्स है।
एल्कीन्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरीन्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें मोस्ट फेमस आपका होता है बेंजीन। तो बेंजीन डेरिवेटिव जो भी आपके हैलाइड्स होंगे उसको हम हैलो एरीन्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो एरीन्स मीन्स एरोमेटिक की बात करते हैं हम लोग, और एल्केन की बात करेंगे तो एलिफैटिक की बात करेंगे। तो एक साथ एक ही चैप्टर में आपको एलिफैटिक क्या कहेंगे हैलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और एरोमेटिक हैलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम एरोमेटिक में बेसिकली बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ हैलो है और ये है आपका एरीन्स। एरीन्स हैलो का मतलब आप समझते हो बेटा, हैलो का मतलब है हैलोजन। हैलोजन मतलब एक्स इक्वल टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और एरीन्स की बात करेंगे तो ये कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। उस एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हटाना है, एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह से हैलोजन को लाना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे हैलो एरीन्स कहेंगे, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को लाओगे तो वट एवर कंपाउंड वी फॉर्म दैट इज कॉल्ड हैलो एरीन्स। होपफुली डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हैलो एरीन्स हम लोग देखेंगे। तो हैलो एरीन्स एरोमेटिक में हमने अभी फिलहाल तो हम बेंजीन को ही लेके चलते हैं। अगर आप बेंजीन को ध्यान से देखेंगे तो बेंजीन का ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन आपके 6 कार्बन के एक कंपाउंड है, जिसमें हर एक अल्टरनेट पोजिशन पर आपका डबल बॉन्ड है लाइक दिस, और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन आपका सब्स्टिट्यूटेड है लाइक दिस। अगर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड sp2। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपका केवल सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है, तो sp2 है इस कार्बन का। अगर मैं यहां आपके सामने ऐसे बेंजीन लिखता हूं बेटा, दिस इज द बेंजीन, तो आपको पता है यहां पे एक हाइड्रोजन है, हर एक पोजिशन पे एक हाइड्रोजन है। अगर मैं उस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता हूँ और उसकी जगह कोई भी हैलोजन लाता हूँ तो इस कंपाउंड को हम तुरंत इमीडिएटली क्या कहने लगेंगे, इसको कहेंगे हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स। न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स का मतलब क्या है कि जो भी मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है उससे डायरेक्टली हमारा अगर हैलोजन अटैच होता उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स। दिस इज कॉल्ड हैलो एरीन्स। तो है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है हैलो एरीन्स है, क्योंकि आपका एरीन्स में हैलोजन लगा है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड एरीन्स होगा, हैलोजन लगा है तो हैलो एरीन्स होगा, है ना। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो कहेंगे हैलो बेंजीन। क्या कहेंगे बेटा, हैलो बेंजीन। दिस इज कॉल्ड हैलो बेंजीन। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो बेंजीन, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन रहेगा तो आयोडो बेंजीन। मतलब अगर हमारा हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच हो जाए, एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो जाए, तो उसको न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स की कैटेगरी में हम लोग जाके रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ हैलो एरीन्स, जिसको कहते हैं न्यूक्लिएटेड हैलो हैलो एरीन्स। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है, आपने देखा है कि यहाँ आपके जो भी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, आपको मोनो जब देखना है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक हाइड्रोजन को, एक ही हाइड्रोजन को हटाना है। जब एक ही हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को लाएंगे, तो हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को लाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैलो एरीन्स। चाहो तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा के बेंजीन एक क्लोरीन ला सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ला सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन, तो डाई ट्राई इसमें भी हम लोग पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग सबसे पहले मोनो न्यूक्लिएटेड देखेंगे। डाई ट्राई करेंगे तब भी आपका न्यूक्लिएटेड ही रहेगा। एक होता है नॉन न्यूक्लिएटेड, एक होता है न्यूक्लिएटेड जिसमें हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच होता है, एक होता है नॉन न्यूक्लिएटेड इसमें आपका हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच नहीं होता है। कैसे अटैच होता है, लुक एट दिस एग्जांपल। एक न्यूक्लिएटेड हो गया, एक हम जो बात करने जा रहे हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड हैलो एरीन्स।
न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड इज वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी बेटा. न्यूक्लिएटेड मीन्स हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड हाइड्रोजन अटैच टू द एरोमेटिक कंपाउंड. इन द कैटेगरी ऑफ हैलोएरीन्स तो है ही है बट हैलोजन नॉट डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स. जो भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होगा तो जो दूसरी कैटेगरी आती है हैलोएरीन्स जो आप देखेंगे उसको कहते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड हैलोएरीन्स. ये नॉन न्यूक्लिएटेड हैलोएरीन्स क्या है? हमने कहा कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है इस एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली आपका हैलोजन अटैच नहीं होगा. मतलब इसके ऊपर मैंने एक और कार्बन लगा के ऐसे CH3 लगा दिया. अब मुझको यहाँ करना क्या है तो हैलोएरीन्स हाइड्रोजन को हटाना है लेकिन यहाँ से नहीं, 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 यहाँ से. तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे, जब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे तो देखिए क्या करने वाले हो, है तो एरोमेटिक, आपने हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और इसकी जगह पे आपने हैलोजन को लाके ऐड कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड नॉन न्यूक्लिएटेड हैलोएरीन्स. नॉन न्यूक्लिएटेड हैलोएरीन्स में हैलोजन डायरेक्टली आपका एरोमेटिक कंपाउंड से नहीं कनेक्ट है बट हैलोजन है तो एरोमेटिक कंपाउंड में ही, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट ही सही बट है तो. इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए हम इसको हैलोएरीन्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो आपको एक साथ एक चैप्टर में एलिफैटिक कंपाउंड को भी ध्यान से पढ़ना है, एक साथ एरोमेटिक कंपाउंड को भी ध्यान से पढ़ना है. एरोमेटिक या एलिफैटिक को बहुत ध्यान से अच्छे से समझने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन को बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चैप्टर कहीं बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा. तो होपफुली आपको इंट्रोडक्शन का ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, है ना. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.